जहां एक ओर तीसरी लहर जाती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने कोरोना की चौथी लहर को लेकर शोध शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना की चौथी लहर का कहर 4 माह तक चलेगा। जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक अब कोरोना की चौथी लहर के बारे में जोड़ गणित करने लगे हैं। उनका मानना है कि अब कोरोना की अगली लहर जून माह में आने की संभावना है, जो करीब अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि इससे पहले आईटी के शोधकर्ताओं ने भी कुछ भविष्यवाणियां की थी। नए वेरिएंट का ऐसा रहेगा असर। जानकारों की माने तो कोरोना की चौथी लहर के साथ नए वेरिएंट की एंट्री हो सकती है। हालांकि इसका असर कुछ खास नहीं रहेगा। जिन लोगों ने कोरोना के डोज लगवा लिए हैं, उन पर अधिक असर नहीं होगा। वहीं जिन लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है, वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उन लोगों को इस लहर में भी ध्यान देने की जरूरत होगी जिन्हें किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियां हैं। ऐसे लोगों को कोरोना की दस्तक के साथ ही कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा, ताकि वो संक्रमित होने से बच सकें। बताया जा रहा है कि चौथी लहर 22 जून से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें अगस्त माह में पीक रह सकता है। सबसे खतरनाक रही दूसरी लहर। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर सबसे खतरनाक रही है। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं तीसरी लहर से पहले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। वहीं लोगों ने काफी एहतियात भी बरती है, जिसका कारण रहा कि कोरोना की तीसरी लहर का लोगों ने सामना किया और उसके विपरीत प्रभाव भी काफी कम आए। इसलिए आपको चाहिए कि आगे भी कुछ नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच सकें। आ सकता है कोरोना का नया वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने शोध के अनुसार बताया है कि डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया, अब चौथी लहर में कोरोना के वेरिएंट बदलने की संभावना है। नया वेरिएंट आने में समय लगेगा। वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लगातार ट्रेस कर रहे हैं। चौथी लहर 15 अगस्त से 31 अगस्त के आसपास पीक पर होगी। इन बात पर करें ध्यान, कोरोना की चौथी लहर आए चाहे ना आए, लेकिन लोगों को हमेशा एहतियात बरतना चाहिए। हमेशा मास्क लगाए रखें, खासकर भीड़ भाड़ वाली क्षेत्रों में, सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही करते समय जो जरूरत लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहां लोग छींकते खांसते नजर आएं वहां भी एहतियात बरतें, बाजार में साफ सुथरी जगह पर खाएं पिएं, हर कहीं या जहां साफ सफाई का अभाव है वहां नहीं खाएं पिएं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।